अक्सर हम पत्ता गोभी की सब्जी बनाने और खाने के अंदर अवॉइड करते हैं क्योंकि पत्ता गोभी की सब्जी सबको पसंद नहीं आती है। ये रेसिपी देखने के बाद में आप अक्सर पत्ता गोभी की सब्जी बनाएंगे और सभी लोग दिल खोल के खाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शेफ अशोक स्ट्रीट में। मैं हूँ शेफ अशोक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा पत्ता गोभी की न्यू रेसिपी। रेसिपी अच्छी लगती है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। पत्ता गोभी की सब्जी बनाने के लिए गाइस सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का पत्ता गोभी का फूल लिया है, यानी कैबेज का फूल लिया है। सबसे पहले हम इसका ऊपर का जो पार्ट है ना, इसे हल्का सा रिमूव कर देंगे बस। उसके बाद जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतनी आप पत्ता गोभी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आधी पत्ता गोभी का फ्लोर का सब्जी बनाऊँगा, तो मैंने आधी पत्ता गोभी ले ली। आधी पत्ता गोभी को 1/2 पार्ट कर लेंगे और इसका बीच का जो हार्ड पार्ट होता है ना, इसे हम रिमूव कर देंगे। बस हल्का सा रिमूव करना है, बस इतना सा। चलिए, इसके बाद मैं इसे आराम से बढ़िया लंबा लंबा कट कर लूँगा। बस इसी तरह इजीली आपको भी आराम से इसे बढ़िया लंबा लंबा जूलियन कटिंग में कट कर लेना है। इससे क्या है, जब आप बनाओगे और इस तरह अगर बनाओगे तो काफ़ी अच्छी लगेगी और खाने के अंदर भी काफ़ी स्वादिष्ट लगती है। देखिए, मैंने सारी पत्ता गोभी को यानी आधी कैबेज को जूलियन कट कर लिया। अब एक बाउल के अंदर डाल के रख लेते हैं इसे। चलिए, अब चलते हैं अगले स्टेप की और यहाँ पर मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करके रखे हैं। बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, नॉर्मल हम जो घर की रसोई में मसाले यूज करते हैं वही है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर करी लीव लिए, कड़ी पत्ते, आधे लेमन का जूस निकाला हमने, थोड़ा सा कोरिएंडर लिया है, 2 साबुत लाल मिर्ची, हल्का सा चाट मसाला 1 छोटा चम्मच, ब्लैक पेपर पाउडर, साथ में दही, हल्दी पाउडर, हींग, राई और नमक। बस जो जो मसाले हम घर पे यूज करते हैं वही मसाले लिए हैं। कितना कितना डालना है वो अभी मैं दिखा दूंगा आपको। चलिए, सबसे पहले एक पैन गैस के ऊपर चढ़ा लेंगे और इसके अंदर ऑयल ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पर ओलिव ऑयल यूज किया है, अगर आपके पास सैलड ऑयल हो तो वो भी यूज कर सकते हैं और नहीं तो आप नॉर्मल रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले ऑयल जैसे हमारा हल्का गर्म होता है तो इसके अंदर राई, साबुत लाल मिर्ची और हींग का तड़का लगा लेंगे हम। हींग और राई को पहले अच्छे से तड़कने देंगे, साथ में करी लीव भी डाल देंगे और इनको पहले थोड़ा अच्छा तड़कने देंगे, तभी इनका फ्लेवर एक्टिवेट होता है। चलिए, इसके बाद हम इसके अंदर हल्दी डाल देंगे। हल्दी हम आधा छोटा चम्मच डालेंगे, यानी टीस्पून का भी आधा छोटा चम्मच बहुत हो जाएगा इसके अंदर। पहले हल्दी को ऑयल के साथ में थोड़ा सा हम घुमा लेंगे ताकि हल्दी हमारी पक जाएगी। उसके बाद इसके अंदर कैबेज डाल देंगे। बस कैबेज डालने के बाद में हम इसे कंटिन्यू हिलाते हुए पकाएंगे और आराम से पकाएंगे। जो हमारा नॉर्मली जो घर का गैस है, अगर घर के गैस के ऊपर तो आप फुल फ्लेम के ऊपर पका सकते हैं, यहाँ पर मैं गैस की फ्लेम को थोड़ी कम कर रखी है। और गाइस, कैबेज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाने का है, बस इतना ही पकाएंगे कि कैबेज का कच्चापन दूर हो जाए, बस उतना ही हम कैबेज को अच्छे से पकाएंगे। करीब 3 से 4 मिनट आराम से हिलाते हुए मैं इसे पकाऊंगा। बस जब आपको लगे कैबेज सारी एकदम सॉफ्ट हो चुकी और पक चुकी है हमारी कैबेज, कच्चापन इसका दूर हो चुका है, तो हम इसे एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर ली इसको। हल्की से अगर सलाद के रूप में आप यूज करना चाहते हैं तो इसे हल्की सी ठंडी कर लें, और सब्जी के अंदर यूज करना चाहते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, हाथों गरम गरम के अंदर ही आप सारे इंग्रीडियंट्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हल्का सा ब्लैक पेपर डाल देता हूँ, और हाँ, अगर आप स्पाइसी थोड़ी खाना पसंद करते हैं तो इसके अंदर ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा कोरिएंडर डाल देंगे, सॉल्ट बहुत ही कम, हल्का सा स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच हम चाट मसाला डाल देंगे इसके अंदर, 1 छोटा चम्मच लेमन जूस, और साथ में करीब 2 से 3 चम्मच हम इसके अंदर कर्ड डाल देंगे। कर्ड की मात्रा ऊपर नीचे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ी बहुत कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर आप थोड़ा ज़्यादा डालना चाहो तो 4 चम्मच भी डाल सकते हो, काफ़ी अच्छा लगता है कर्ड इसके अंदर। और इसे हम आराम से घुमाकर बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे। इस तरह अगर आप कैबेज की सब्जी बनाकर खाओगे तो काफ़ी अच्छी लगेगी। साउथ इंडियन तड़के के साथ में अंदर कर्ड डाल के अगर आप कैबेज की सब्जी बनाओगे बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये। और इसकी सबसे बड़ी बात, इसे अगर आप सैलेड में यूज करना चाहते हो तब भी आप कर सकते हो, हल्का सा लेमन बेज लगाकर इसे सैलेड में भी यूज कर सकते हैं। तो गाइस, ये थी आज की हमारी पत्ता गोभी की न्यू रेसिपी। रेसिपी कैसे लगी आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब।